नमस्कार, मैं सुधीर मुंघंटीवार। 6 बार विधायक करके लोगों ने मुझे महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए निर्वाचित किया और पिछले 5 वर्ष वित्त विभाग, नियोजन विभाग और वन मंत्री के नाते महाराष्ट्र के पर्यावरण में छोटा सा हिस्सा देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं भारत के ट्री मैन श्री विष्णुजी लांबा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री कल्पतरु संस्थान की ओर से वृक्ष मित्र सम्मान समारोह में 2 अप्रैल 2022 को उन्होंने मुझे निमंत्रित किया। 2 अप्रैल 2022 ये महाराष्ट्र में गुढ़ी पाड़वा के नाम से नववर्ष की शुभारंभ का पवित्र दिवस है। मन में बहुत इच्छा थी, दिल में आपसे मिलने की, आपका दर्शन लेने की तीव्र इच्छा होने के बाद भी महाराष्ट्र के हिंदू नववर्ष के इस पवित्र दिवस पर मैं आपके सम्मान के लिए उपस्थित नहीं रह सका। राजस्थान की भूमि से हमेशा हमें आकर्षण रहा है। बचपन से ये भूमि वीरों की भूमि, ये भूमि त्याग तपस्या करने वाले महामानवों की भूमि। जब भी महाराणा प्रताप का नाम और हम जय घोष करते हैं तो बेहोश आदमी भी होश में आ जाता है। रानी महारानी पद्मिनी का जोहार, ऐसे असंख्य महामानवों ने, असंख्य पराक्रमी वीर राजस्थान के भूमिपुत्रों ने राजस्थान की वीरता को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि ट्री मैन विष्णु लांबा जी, जिन्होंने अपना जीवन पर्यावरण के रक्षण के लिए, कटते हुए जंगलों को पुनर्स्थापित करने के लिए जो जीवन समाज को समर्पित किया है, मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूं, उनके इस उपक्रम को शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान महादेव उन्हें शक्ति दे, ऊर्जा दे, उत्साह दे, ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं। ये बात सही है, हमारे पृथ्वी का इतिहास 456 करोड़ वर्ष का है, मगर 456 करोड़ वर्ष में अगर कोई सेल्फिश समाज रहा है वो हमारा रहा है। अभी तक सब लोग पर्यावरण के साथ जीते थे, पर्यावरण का दोहन करके अपनी जिंदगी गुजारते थे, मगर पहली बार इस 100 वर्ष में पर्यावरण का दोहन करने के बजाय शोषण करने में हम अपना पराक्रम समझते रहे। 1820 में औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। 1820 से आज तक हमने 50% वन नष्ट कर दिया। सही तो ये बात सही है कि धन ये जीवन के आखिरी सांस तक काम आता है, उसके बाद वो धन हमें यही छोड़ कर जाना होता है। विश्व में 7 बड़े धर्म माने गए हैं, 7 में से 6 धर्मों में पुनर्जन्म माना है। अगर हमारा पुनर्जन्म होने वाला है ये धर्म मानता है तो धन तो आखिरी सांस तक काम आएगा, मगर वन अगले जीवन में पहले सांस से हमारे काम आएगा। और इसी दृष्टिकोण से हम सबको यह तय करना होगा, संकल्प लेना होगा कि आज पर्यावरण के बारे में हमारे मन में यही सोच है कि हम आपके हैं कौन, यह सोच हमें आगे तकलीफ देने वाली हो सकती है। हमारी सोच होनी चाहिए हम साथ साथ है, मैन इज ए सोशल एनिमल, नहीं मैन इज ए सेल्फिश एनिमल। ये भावना से लोग जंगल काट रहे हैं, वन को नष्ट कर रहे हैं, पौधों को उखाड़ रहे हैं। ऐसे समय में हमें यह तय करना होगा कि दुर्जनों के दुर्जनता से
इस वन का जितना नुकसान नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान सज्जनों से, वन पे प्रेम करने वालों के निष्क्रियता से हुआ है। सबको जगाना होगा, सबको प्रेरणा देना होगा, ऊर्जा देनी होगी, उत्साह देना होगा। और यही आज इस वृक्ष मित्र सम्मान समारोह में हम करने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में श्रीमान एरिक सोहेम ये उपस्थित है, जिन्होंने विश्व गौरव देश को आगे बढ़ाने वाले हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी को ग्रीन अर्थ के माध्यम से जो अवार्ड दिया, चैंपियन ऑफ द अर्थ। आज मैं एरिक सोहेम जी का भी आभार प्रकट करता हूं। श्री विष्णु अंबाजी, मिस्टर विष्णु अंबाजी, जब मैं यहां पे 50 करोड़ वृक्ष लगाने के मिशन का काम शुरू किया तो महाराष्ट्र के ग्रीन आर्मी के वो ब्रांड एम्बेसिडर रहे हैं, वो ग्रीन आर्मी के ब्रांड एम्बेसिडर रहे हैं। मैं विष्णु अंबाजी को धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वो आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए वो काम कर रहे हैं। ये ईश्वरीय कार्य है। मैं विष्णु गांबाजी को धन्यवाद देते समय विष्णु गांबाजी आपको और इस वीर भूमि के मेरे सभी देशभक्त भाइयों को और बहनों से मैं शुभकामनाएं देते हुए क्षमा चाहूंगा कि आप सबका दर्शन होता तो मैं भी राजस्थान से एक नई ऊर्जा लेकर महाराष्ट्र में लौटता। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि से, महाराणा प्रताप के भूमि को आप सभी को नमन करता हूं। आपके संकल्प को भगवान शुभाशीर्वाद दे, शक्ति दे, ये भगवान केदारनाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और आपको यही कहता हूं कि आप सभी वृक्ष प्रेमी, वन प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी भाइयों और बहनों, आप आगे बढ़ो। जहां भी हूं वहां से मैं आपके साथ में हूं। नमस्कार। जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान, जय भारत भूमि।